गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर बी। एक्सप्रेस 9467 मीटर है। इसमें हमें मीटर्स में कुछ डिजिट दी हुई है जिसको हमें हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है आपका हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 हेक्टोमीटर आपका फॉर्मूला होता है, राइट। अब 9467 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9467/100 हेक्टोमीटर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 94.67 हेक्टामीटर। अब इसी नंबर को हमें डेकामीटर्स में चेंज करना है। डेकामीटर्स में क्या हो जाएगा, 1/1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 डेकामीटर। तो 9467 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9467/10 डेकामीटर्स। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पे 9946.7 डेकामीटर। अब 1 मीटर, इस मीटर को 9467 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1/1000 मिलीमीटर। तो 9467 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9467/1000 मिलीमीटर। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9467 मिलीमीटर। अब हमें इसे चेंज करना है डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर में चेंज करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेसीमीटर में चेंज करने का इसका फॉर्मूला होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो 9467 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9467 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 9 आपका क्या हो जाएगा, 94670 डेसीमीटर। अब हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1/1000 किलोमीटर। तो 9467 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9467/1000 किलोमीटर। और डिवाइड करने पे क्या आएगा, 9.467 किलोमीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 9467 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9467 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 9,46,700 सेंटीमीटर। तो डू क्वेश्चन नंबर 2 इन योर नोटबुक। थैंक यू।